हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाला हूँ कि जो इंडिया पोस्ट GDS में जितना भी लोग कैंडिडेट अप्लाई किया है उसका रिजल्ट कब तक हुआ था। तो मेरे पास कुछ ऐसा PDF है, 6 तारीख का यह है, पहले का जो क्या हुआ था। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि रिजल्ट कब तक होगा, तो यहाँ पे 10 जून की बात हो सकता है, ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन किए रखा है। और किस तरह से चेक करना है अगर रिजल्ट होता है तो भी, तो वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहना, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाय द वे, अभी तक मैं जो भी अपडेट है वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं जाता हूँ, यहाँ पे है, यह तो रजिस्ट्रेशन है, फीस पेमेंट और रिजल्ट, यहाँ पे आना है आप लोग को। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कौन सा कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट दिया है वो सब है, लेकिन रिजल्ट के लिए कुछ भी अपडेट नहीं है। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो दोस्तों क्लोज हो चुका है, ठीक है। और दिस साइट इज ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन PWD। तो PWD के लिए जो एक्चुअली उनके लिए अलग से कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई में, लेकिन इसमें आप लोगों का जो है रिजल्ट अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है, ठीक है। और जब भी रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो किस तरह से रिजल्ट देखना है आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सर्कल वाइज नोटिफाइड ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर किसी भी सर्कल का आएगा तो यही भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुश हो दिया है लेकिन अभी तक कुछ अपडेट नहीं है, ठीक है। और आप लोग थोड़ा दिन कुछ दिन वेट कीजिए, इसका रिजल्ट कट ऑफ सब कुछ आने वाला है। और मैं उसकी आने के बाद मैं वीडियो एक फिर से बनाऊंगा, ठीक है। तो और कुछ दिन अपडेट आने के बाद आप लोग को फिर से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ये वीडियो में इतना ही है कि किस तरह से चार्ट देखना है, या फिर नोटिफिकेशन में क्लिक करके आप लोगों को देखना है अगर देखना है तो, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है इसलिए नहीं आता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।